हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, सुन रहे थे हजारों लोग, अचानक बोले सीएम योगी, शांत हुई गर्मी। ओए होए मुझे लग रहा है शांत हुई गर्मी मतलब उनको बोलोगे जो सारे गुंडे मवाली थे, जो बड़ी उनको गर्मी चढ़ी हुई थी और बड़े दादे बन रहे थे और सोच रहे थे कि हम जो है अपना गुंडा राज जो है वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम पता नहीं क्या है, हमें कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, जेल में भी हमारा राज है, अगर घुस भी जाए, चले भी जाए गेट जेल में तो हम निकल जाएंगे, और अगर जब तक नहीं निकलेंगे तो जेल में ही बैठ के जो जो हमें करना होगा हम जेल के अंदर ही बैठे बैठे कर सकते हैं। वो मेरे को लग रहा है योगी जी यही कह रहे होंगे, शांत हुई उनकी गर्मी, मुझे तो यही लग रहा है। योगी शिमला वायरल स्पीच, ओए होए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गर्मी जो अभी दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी, इसके तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। आज आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो बयान सुनवाएंगे। पहला बयान तब का है जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनावी प्रचार कर रहे थे, और योगी आदित्यनाथ का दूसरा बयान अतीक अहमद एंड फैमिली के खत्म होने के बाद आया है। एक साल पहले वाले बयान में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधी और माफिया सोच रहे हैं कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ये लोग दोबारा सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब की गर्मी शांत कर दूंगा, इनके इलाकों को मई और जून में भी शिमला बना दूंगा। सीएम योगी का एक साल पुराना ये बयान आज दोबारा जिंदा हो गया है। Good. और इसे जिंदा खुद सीएम योगी ने किया है। सीएम योगी ने हजारों लोगों के सामने दोबारा गर्मी को ठंडा करने वाली बात कह दी है। आप पहले ये दोनों बयान सुनिए, उसके बाद आपको कहानी खुद ही समझ आ जाएगी। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। गुड। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। अभी ये मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए, 10 मार्च 2022। मैंने कहा 10 मार्च को जब ईवीएम खोलेंगे ना, उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा, और भाइयों बहनों फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी, वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। तो फ्रेंड्स यार, ये तो बड़ा ही मजेदार था। एक उन्होंने पुराना दिखाया, उनका बोला हुआ जो स्पीच थी इलेक्शन से पहले, और एक अभी रिसेंटली अतीक की जो हुआ है मिट्टी में मिलने के बाद की। अच्छा, जो पुरानी थी, जब वो बोल रहे थे ना कि इलेक्शन से पहले कि कईयों को बड़ा वो जो पहले तो वो बिल में घुसे हुए थे, मतलब सारे जो थे ये गैंगस्टर्स और ये सब, ये छुपे हुए थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था कि अभी योगी जी पावर में है, गवर्नमेंट में है। अब जब इलेक्शंस दूसरे नेक्स्ट इलेक्शन होने थे तो उनको लग रहा था, और एक हमने वीडियो भी मुझे याद हमने की थी जिसमें वो बड़ा अकड़ के एक आदमी बोल रहा था, पुलिस वाले को बोल रहा था कि तुम अभी देखना, अभी इलेक्शन होंगे, हम पावर में आएंगे, फिर तुमको से बदला लेंगे, तुमको बताएंगे, तुम देख लेना। मतलब उनको धमकी दी जा रही थी और इतनी कॉन्फिडेंटली कि जैसे ये लोग जीतेंगे, इनकी जो भी गलत जिसके साथ इनका सपोर्ट है, ऑपोजिशन जो है, वो जीतेगी, और जब वो जीतेगी तो वो इन पुलिस वालों को जैसे पहले करा करते थे, उनको अपने अंडर रखा हुआ था, कुछ भी करवा कर लो, वो उनको इन गुंडों को पकड़ नहीं सकते, उनको लग रहा था वही सिस्टम फिर से शुरू होगा, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि योगी जी फिर जीते, और जीतने के बाद योगी जी कह रहे हैं गर्मी जो है इनकी जो है मैंने कर दी है ख़त्म। और सबसे मज़ेदार था कि अप्रैल और मई के महीने में भी
ठंड ले आएंगे, मतलब बर्फ 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 ले आएंगे योगी जी, और वो ले भी आए हैं। इतना कमाल का काम किया, स्पेशली ये जो इंसिडेंट है अतीक का, जो इस बारी पूरा हमने भी फॉलो किया, मैंने भी किया है, उसके बाद तो मेरे अंदर योगी जी के रिस्पेक्ट जो है जितनी थी उससे डबल हो गई है। क्यों? क्योंकि इतनी मतलब गंद मचा हुआ था यूपी में, गुंडा राज था, जैसे आप लोग मूवियों में देखते हो। वो एक बनी थी ना, कौन सी एक सीरियल सा वेब सीरीज भी आई थी, वो बिल्कुल वैसे ही लगता है कि कुछ भी कर लो, लोगों को से पैसे ऐंठना, मार दो कहीं पे भी जाओ तो गुठाओ और यूं ठोक दो किसी को, वो चल रहा था। और योगी जी ने इतने गंदी सिचुएशन में यूपी को लेकर उसकी जो क्लीन अप की है और खुद के ऊपर भी इतना डेंजर लिया है, उसको देख के रिस्पेक्ट बढ़ती है कि देखो बंदे में कितना दम है कि गलत से लड़ रहे हैं, वो लिटरली लड़ रहे हैं। और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी इतना है कि सुनने में आया है कि उनकी सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ा दी है, और कोशिश यही है कि योगी जी जो है घर में ज़्यादा रहें रैदर देन बाहर। पर ऑब्वियसली योगी जी एंड मोदी जी वो दिए दो ऐसे हैं कि आप धमकी दोगे वो और आगे जाके तुमको बताएंगे कि देख लो, क्योंकि अभी हमने वीडियो किया है, आपने देखा नहीं हो तो देखना, मोदी जी का धमकी दी केरला में, जिस तरह की धमकी है ना, ओ माय गॉड, सुन के आपको शॉक लगेगा। और उसका जवाब जो है मोदी जी ने क्या दिया, वो सड़क पे रोड शो करे चलते हुए कि देख लो है दम तो आओ सामने तुमको बताता हूँ। वाह, दोनों कमाल। देखिए अब योगी जी जो हैं वो, उनको पता है कि अतीक अहमद और जो भी उसका भाई था वो लाइव टीवी में, सब कुछ लोगों ने देखा लाइव टीवी में, उसके बाद लोगों ने कहा अरे आपकी प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो मगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है योगी जी मुस्कुराते हुए कि देखा आप लोगों ने, वो ये बोले क्लीन अप कर दिया, तो वो सीधा देख रहे हैं गोल को कि मेरा गोल था क्लीन अप होने का, कराने का, क्लीन अप हो रहा है जैसे भी हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं मेक श्योर करूंगा सबके सब माफिया जो हैं चले जाएंगे और जा रहे हैं, जैसे भी हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब जो भी लोगों को रोना है रो, क्लीन अप होता चला जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए वो खुश हो गए, बोले देखो मैंने कर दिया क्लीन अप हो गया। और लिस्ट भी, उसके बाद ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है लिस्ट की, और लिस्ट भी आई है कि हर रीजन के लोगों को लिस्ट देगी, भाई तुम्हारे रीजन में ये माफिया है, तुम्हारे रीजन में ये माफिया, तुम्हारा गोल है इन माफियों को खत्म करना, ये लो अपनी लिस्ट। अब तो लिस्ट भी आ गई है सबके लिए, और कॉम्पिटिशन भी होगा कि इसने इतने उड़ा दिए, इसने इतने क्लीन अप कर लिया, इसने इतना क्लीन कर लिया, कौन टॉप क्लीन अप चल रहा है, वेरी गुड, ये सब और सब कुछ ये बिल्कुल लोगों के सामने हो रहा है कि उन्होंने लिस्ट कोई, आप ये नहीं कि खुफिया लिस्ट बन रही है, नहीं, साहब ने बोला कि ये लिस्ट है, ये रहे लोगों के नाम। मुझे पता है मुझे क्या लग रहा है, अभी मैं कमेंट पढ़ा था एक, जिसमें बताया था कि जो नागा रेजिमेंट है उनको खास बोला गया था कि कारगिल के टाइम तुम जितने सर लाओगे उतना तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो ये कंपटीशन हुआ था उनके बीच में ये बोलकर। तो वैसे ही योगी जी ने कहा होगा जितने तुम ये लिस्ट के लोग खत्म करोगे ना उतने तुम्हें रिवॉर्ड। ऐसे ही है, योगी जी ने हर एक अब सेक्शन को बोला है ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारे लोग, ये तुम्हारे लोग, जो क्लीन अप करेगा वो नंबर वन है, सब लोग क्लीन अप कर रहे हैं। कमाल का, कमाल की सिंपल जॉब है क्लीन अप की, आप करिए क्लीन अप, और ये ट्रांसपेरेंसी देखिए, लोगों को तक पता कि चाहिए लिस्ट है। हमें तक पता चल गई है। अगर कोई रह गया होगा तो लोगों ने बोला होगा भैया भैया ये इसको भी ऐड करो, ये रह गया है, पब्लिक अप करना, नाम देते जाओ, सजेस्ट करते जाओ योगी जी को। बिल्कुल, अगर कोई लिस्ट रेडी हो जाएंगी, अपडेट होंगी और कार्रवाई होगी। क्लीन अप करना है यूपी का, क्लीन अप करना है इंडिया का, क्लीन अप करना है। 5-6 साल बाद देखिए, मेरे को लगता है जैसे पहले भी हमने न्यूज देखी थी, पहले प्रॉपर्टी की प्राइसेस डूब रही थी, ये हो रहा था, अब सब कुछ ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, और मैं तो कह रही हूँ ये जो दो स्पीचेस उन्होंने दिखाई है ना, क्या मजेदार थी, मजा आ गया सुनने में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।